हर घर में यह तीन पौधे जरूर होने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा पैसा टिका रहे, अगर आप चाहते हैं कि परिवार में कभी भी धन की कमी ना हो और परिवार हमेशा माला माल रहे, तो ये तीन पौधे आपके घर में जरूर होने चाहिए। बहुत सारे भक्तों के कमेंट आते हैं कि गुरु जी, हमारे परिवार में पैसा तो बहुत आता है, लेकिन उस पैसे का पता नहीं चलता कि वह कहाँ खर्च हो जाता है। कहने का मतलब है कि घर परिवार में बरकत का ना होना। अगर आप पैसे के साथ साथ सुख शांति चाहते हैं, परिवार की तरक्की चाहते हैं, अपने घर में सुख समृद्धि चाहते हैं, तो आपके घर में भी इन तीन पौधों का होना बहुत जरूरी है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में इन तीन पौधों को सबसे ज्यादा पवित्र और सबसे ज्यादा धन बरसाने वाले पौधे कहा गया है। अगर इन तीनों में से कोई भी पौधा आपके घर होता है, तो धन आपके घर बरसता है, क्योंकि इन तीन पौधों की शक्ति ही इतनी है कि जहां पर ये पौधे होंगे, वहां पर दूर दूर तक गरीबी का नामो निशान नहीं होता। केवल ये पौधे आपकी पूरी किस्मत बदल सकते हैं। अपने जीवन में जो कुछ भी आप हासिल करना चाहते हैं, इन पौधों के दम पर हासिल कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्रों की माने तो ये तीन पौधे साक्षात भगवान की कृपा का स्वरूप होते हैं, और अगर आप साक्षात देव कृपा की प्राप्ति चाहते हैं, तो इन तीन पौधों का आपके घर पर होना नितांत आवश्यक है। कौन से हैं वह तीन पौधे, आज आपको पता चलने वाला है। एपिसोड में अंत तक बने रहिए, क्योंकि एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी दर्शकों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। प्यारे बंधुजनों, हर एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ खास और बेहद नई जानकारी। आज का यह एपिसोड उन सभी लोगों के लिए बहुत रोचक होने वाला है जिनकी अपने घर से जुड़ी हुई ढेर सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, चाहे वो पैसे को लेकर हो, चाहे वो घर की बरकत को, चाहे सुख शांति को लेकर हो। तो चलिए देवी भगवती को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों के सामने हाजिर हुआ हूं आज के इस नए कमाल एपिसोड के साथ। बात कर रहे हैं तीन पौधे जो बदल सकते हैं आपकी किस्मत। मेरे प्यारे बंधुजनों, वैसे तो हमारा जो जीवन है वो बहुत हद तक पेड़ पौधों पर ही निर्भर है, क्योंकि अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो मनुष्य का जीवन भी नहीं होगा, क्योंकि हमें जीने के लिए जो ऑक्सीजन मिलती है, जो वायु हमें प्राप्त होती है, वो पेड़ पौधों से ही प्राप्त होती है। तो इसलिए पेड़ पौधों के बिना मनुष्य के जीवन की कल्पना भी निरर्थक है। आज मैं आपको तीन ऐसे पौधों के बारे में बताने जा रहा हूं जो हर मनुष्य के घर में होने चाहिए। अगर अभी तक इन तीन पौधों में से कोई भी पौधा आपके घर नहीं है, तो अभी
इन तीनों पौधों को या इन तीनों में से कोई भी पौधा अपने घर पर जरूर लगाएं। सबसे पहला पौधा तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा हमारे लिए माता है, अर्थात साक्षात जो भगवान का स्वरूप है वो तुलसी का पौधा है। हमारे सनातन धर्म में तुलसी को मां कहा गया है, और अगर शास्त्रों की बात करें तो शास्त्रों में तो कहा गया है कि जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है ऐसे घर साक्षात तीर्थ के समान होते हैं। अगर तुलसी का पौधा आपके घर में है तो कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता। तुलसी का पौधा जहां पर होता है वहां दूर दूर तक कोई भी बुरी चीज नहीं फटक सकती। अगर आप अपने घर पर तुलसी का पौधा लगाते हैं, नित्य रूप से घी का दीपक जलाते हैं, वहां पर धूप जलाते हैं और पूरी पवित्रता से तुलसी के पौधे की रक्षा करते हैं, तो हमेशा साक्षात लक्ष्मी जी का वास आपके घर पर रहता है। बात करते हैं दूसरे पौधे के बारे में। बात दूसरे पौधे की करें उससे पहले मेरी आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको आज का यह एपिसोड अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा परिवार, मित्र, रिश्तेदार के साथ इस एपिसोड को शेयर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि जो जानकारी हम आपके लिए बनाते हैं वो आपको बेहद पसंद आती है। तो बात कर रहे हैं दूसरे पौधे की, उसका नाम है मनी प्लांट का पौधा, जिसके नाम में ही आपको पता चल रहा है मनी प्लांट अर्थात साक्षात पैसे को बढ़ाने वाला पौधा। अगर आपके घर में मनी प्लांट का पौधा बढ़ता है, हरा भरा होता है, फलता है, फूलता है, तो यकीन मानिए आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं हो सकती। मनी प्लांट का पौधा घर में लगाने से गरीबी घर से दूर भागती है और आपका सौभाग्य आपके पास आने लगता है। अगर आपके घर में बहुत अच्छा मनी प्लांट होता है तो समझ जाइए कि साक्षात लक्ष्मी माता जी की कृपा आपके ऊपर बन रही है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं तीसरे पौधे के बारे में। यह जो पौधा है ये तो बहुत ही अत्यंत पवित्र और हर प्रकार के कष्ट से आपकी रक्षा करने वाला पौधा होता है, क्रूसला का पौधा। जी हां, क्रूसला का पौधा घर में लगाने से घर में कभी भी नेगेटिविटी नहीं आती, कभी भी घर में बीमारी नहीं आती और कोई भी परेशानी घर में एंटर नहीं कर पाती। क्रूसला का पौधा एक ऐसा पौधा है जो आपके घर में पैसे को तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ आपके हर कदम पर आपकी रक्षा करता है क्रूसला का पौधा। अगर आपके परिवार में बार बार बीमारी आती है, अगर आपके घर में बार बार दुर्घटना इत्यादि होती है, तो उससे बचने के लिए क्रूसला से बेहतर कोई भी पौधा नहीं होता। अपने घर पर अगर आप क्रूसला का पौधा लगाते हैं तो यकीन मानिए साक्षात महाराज की कृपा आपके ऊपर होगी, आपके परिवार में हमेशा धन धान्य की बरकत रहेगी और परिवार में कभी भी कोई संकट नहीं आता। तो ये तीन पौधे, तुलसी का पौधा, मनी प्लांट का पौधा और क्रूसला का पौधा, इन तीनों में से एक पौधा आपके घर पर या तीनों भी आप लगा सकते हैं, वो तो साक्षात अमृत के समान है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता।